नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन शहर की प्रमुख खबरों की ओर। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं ने गिराया तापमान। 24 घंटे में 4 डिग्री गिरकर तापमान हुआ 6.8। किसानों के माथे पर आई चिंता की लकीरें। दिसंबर के महीने में शहर का तापमान पहली बार 6.8 डिग्री तक पहुँच गया। एक महीने में न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री तक की कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार की रात में भी मौसम ऐसा ही रहेगा, पारा और गिरेगा। हालांकि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच बना रहेगा। दरअसल उत्तर भारत की ओर से आ रही सर्द हवाओं और बर्फबारी के कारण सर्दी में इजाफा हो रहा है। हवा की गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा होने से सर्दी ने अपना एहसास कराया। उज्जैन में दो दिनों में ही न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री की गिरावट आई। शनिवार की रात शहर का तापमान 10.7 डिग्री था, शुक्रवार की रात 14.2 और गुरुवार की रात 14.5। इसी तरह बुधवार को 15.6 और मंगलवार को 14.5 और सोमवार को 13.5 डिग्री रहा। मौसम में परिवर्तन के साथ शीतलहर चलने के कारण किसानों को भी फसलों में नुकसान होने लगा है, जिसके चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी हैं। शीतलहर के कारण प्याज और लहसुन की फसलों में अभी से काफी नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि फसलों को पर्याप्त धूप नहीं मिलने के कारण फसलें धीरे धीरे खराब होने लगी हैं। किसान भारत सिंह बैस ने बताया कि अभी ज्यादा नुकसान प्याज और लहसुन की फसलों में हो रहा है। ऐसा ही मौसम चलता रहा तो पैदावारी में भी कमी आ सकती है और कई जगह तो प्याज लहसुन की फसलें पूरी तरह खराब भी होने लगी हैं, जिसके चलते कई गांव में किसानों को दोबारा बोनी करनी पड़ सकती है। जो मावठे कारण बदल हो रहे हैं और जो ओस गिर रही है उससे लहसुन और प्याज की फसल को नुकसान हो रहा है। जैसी बीमारी लग रही है लहसुन और प्याज में। गेहूं में भी लोग बता रहे कि नुकसान हो रहा है। इतना नुकसान नहीं, पर लहसुन और प्याज में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसके बीज जो रोपी है वो ज़्यादा खराब हो रही है। युवक ने स्वयं को फेसबुक पर लाइव किया, दोस्तों से कहा लड़कियों के चक्कर में मत आना और खा लिया जहर। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की हुई मृत्यु। यूनिवर्सिटी कैंपस निवासी 22 वर्षीय अभय द्रोणावत पिता हेमंत द्रोणावत शनिवार शाम करीब 6 बजे त्रिवेणी पहुंचा। यहां अभय ने स्वयं को फेसबुक लाइव किया। दोस्तों ने उसे देखा तो वह उनसे कह रहा था कि दोस्तों लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना। इसके बाद अभय ने जहर खा लिया। उसको फेसबुक पर लाइव देखने वाले दोस्तों ने बताया कि अभय ने किन कारणों के चलते जहर खाया इसकी उनको जानकारी नहीं है। हेमंत द्रोणावत यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में भ्रत है। उन्होंने बताया कि अभय मेडिकल पर काम करता था, उसका किसी से कोई विवाद नहीं था, कभी कभी शराब पी लेता था। शाम 7 बजे के करीब वह घर पहुंचा और गिर गया। उसे तुरंत जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां करीब 30 मिनट उपचार के बाद उसने दम तोड़ दिया। उसकी मृत्यु किन कारणों के चलते हुई इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया, अभय पिता हेमंत द्रोणावत जो विक्रम यूनिवर्सिटी कैंपस में रहता है, उसको कल उसके पिताजी ने भर्ती कराया था CH में, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। और वो नशे की हालत में थोड़ा जो जहरीला पदार्थ है ऐसा कुछ उसमें था, तो गिर गया था घर पर और उसको भर्ती कराया था, तो उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें मर कायम कर जांच में लिया गया। सर उसमें एक सोशल मीडिया वीडियो भी डाला है उसकी। हाँ, उसका सोशल मीडिया का फेसबुक पे एक वीडियो भी प्राप्त हुआ है जिसमें उसने जहर खाने की बात की है, तो उसमें भी जाँच की जा रही है कि किस संबंध में किस कारण से उसने आत्महत्या की। चेन चोर महिलाओं का गिरोह पुलिस गिरफ्त में आया। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से आई महिला ने ही मंदिरों में दांतों से काटी थी चेन। महाकाल मंदिर और गढ़कालिका मंदिर में दो महिला श्रद्धालुओं की चेन चोरी करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही दो अन्य महिलाएं भी पकड़ाई। पुलिस का दावा है कि ये पूरा गिरोह है जो मंदिरों में श्रद्धालुओं की चेन चोरी सहित अन्य सामान लूटता है। ये गिरोह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सुल्तानपुरी से आया है। गिरफ्तार महिलाओं ने महाकाल मंदिर और गढ़कालिका मंदिर में महिला श्रद्धालु के गले से चोरी करना स्वीकार कर लिया है। पुलिस पूरे गिरोह की तलाश में है। उम्मीद की जा रही है कि इनके साथ कुछ पुरुष सदस्य भी हो सकते हैं। जिस महिला ने महिला श्रद्धालु की चेन चुराई थी उसका नाम पूजा देवी भारती बताया जा रहा है
उसके पति ने उसे छोड़ रखा है। पुलिस इनसे अन्य वारदातों की पूछताछ करने के साथ चोरी व लूट का माल बरामद करने की भी कोशिश में है। कड़कड़ाती ठंड में मांसपेशियां थिरकाई शरीर साधकों ने 2 वर्ष बाद आयोजित हुई मेयर्स ट्रॉफी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड में शनिवार रात को बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप आयोजित की गयी। कड़कड़ाती सर्दी में देश भर के अलग अलग इलाकों से 175 बॉडी बिल्डर्स ने बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। कड़कड़ाती ठंड में प्रतिभागियों के साथ दर्शकों में भी उत्साह देखने को मिला। चैंपियनशिप में सभी प्रतिभागियों ने मास्क पहनकर हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में 3.5 लाख के अलग अलग पुरस्कार व ट्रॉफी दी जाएगी। नगर निगम हर साल वेस्टर्न इंडियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के तहत 32वीं मेयर ट्रॉफी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन करता है। यह आयोजन कोविड प्रतिबंधों के चलते 2 साल बाद आयोजित की गई। बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष शैलेंद्र व्यास ने बताया कि चैंपियनशिप के लिए गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व विदर्भ सहित अन्य राज्यों के शरीर साधकों ने हिस्सा लिया। अब देश भर में होगा विक्रमोत्सव, भोपाल से होगी शुरुआत। महानाट्य के साथ पुरातत्व प्रदर्शनी का भी होगा आयोजन। सम्राट विक्रमादित्य की शौर्य गाथा और उनके द्वारा शुरू किए गए विक्रम संवत के बारे में मध्य प्रदेश शासन देश भर में अलग जगाएगा। देश भर में विक्रमोत्सव के आयोजन होंगे, इसकी शुरुआत भोपाल से होगी। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में 3 दिनी विक्रमोत्सव 20 से 22 दिसंबर तक होगा। इसके बाद पुणे, बनारस, आगरा में विक्रमोत्सव किए जाएंगे। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन का आयोजन करेगी, इसमें महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य भी होगा। इस उत्सव को आम जनजीवन से जोड़ने के लिए उर्दू, फारसी, पंजाबी, मणिपुरी, कन्नड़, गुजराती व मराठी में मिलने वाली विक्रमादित्य की शौर्य गाथाओं को लोक नाट्य व कलाओं के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में विशाला सांस्कृतिक समिति के सचिव विजेंद्र वर्मा ने बताया, क्योंकि जिस तरह से महाराणा प्रताप, शिवाजी इत्यादि जो राजा हुए हैं, जिनको पूरा विश्व पहचानता, पूरा देश पहचानता है, विक्रमादित्य के साहित्य को उतना अभी लोग नहीं जानते हैं, तो जन जन तक विक्रमादित्य पहुँचे, क्योंकि विक्रमादित्य अपने आप में काफ़ी बड़े सम्राट हुए हैं। महाकालेश्वर के अनन्य भक्त, माँ हरसिद्धि उनकी इष्ट देवी थी और उनके दरबार में 9 रत्न थे, जैसे उनमें से कालिदास हैं, तो कालिदास के ऊपर इतने ग्रंथ हैं, इतने सारे साहित्य हैं, इतनी बड़ी अकादमी बनी हुई, लेकिन विक्रमादित्य बनिस्बत कम प्रचार हुआ है, तो इसको पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए, विक्रमादित्य के नाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम को किया जा रहा है, विक्रम उत्सव के रूप में। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।